हाय गाइज, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सर्दी जुकाम की बच्चे की 5 ऐसी रेमेडी जो आप सर्दी जुकाम में बच्चे को आराम से दे सकते हैं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ मैं जो जैसे 2 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, तो जो 2 से 3 रेमेडी हैं वो 6 मंथ की बताऊँगी और बाकी की जो रेमेडी हैं वो मैं 1 साल के बच्चे की, 1.5 साल के बच्चे के लिए बताऊँगी। तो जैसे 6 महीने के बाद अगर बच्चा है तो वो अलग आपको रेमेडी देनी है, 6 महीने तक का है तो अलग तरीके से उसको ट्रीट करना है, और अगर 1 साल का बच्चा है तो अलग तरीके से ट्रीट करना है। तो तीनों एज के लिए मैं कुछ रेमेडीज लेकर आई हूँ जिन्हें आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, जो बिल्कुल सेफ है, होम रेमेडीज हैं जिनमें मैं बाहर की कोई भी चीज़ ऐसी ऐड नहीं करूँगी जो आप बच्चे के लिए जो प्रॉब्लम बन जाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने लिया है जायफल, ये मैं बच्चे को पहले से दे चुकी थी, तो ये ऐसे घिसा हुआ है, इसको मैंने अच्छे से कर लिया है वॉश। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा पानी, आप चाहे तो ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क या गाय का दूध, जो भी आप लेना चाहें, जो आपका बच्चा जैसे एज के अकॉर्डिंग बच्चे को देते हैं वो जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो जायफल लिया है इसको यहाँ पे ऐसे किया डिप पानी में और ब्रेस्ट मिल्क या किसी में भी, और इस तरह से हम इसको गोल गोल ऐसे घिस लेंगे या फिर जैसे भी आप लंबा लंबा घिसना चाहें वो इस तरह से घिसेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम घिस लेंगे क्वांटिटी, लगभग हम यहाँ पे जायफल की रखेंगे इतनी रखेंगे कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, ज़्यादा गर्म होता है ये और प्रॉब्लम इसलिए ना रहे। तो यहाँ पे इस तरह से हम निकाल लेंगे जायफल, और निकालने के बाद स्पून में ऐसे निकाल लेंगे। ब्रेस्ट मिल्क से करते हैं तो भी ठीक है, अगर आप फॉर्मूला मिल्क या फिर गाय का दूध या किसी से भी करते हैं तो भी ठीक है। तो इस तरह से आप डेली दे सकते हैं बच्चे को, इस तरह से निकाल लेंगे यहाँ पे। तो इतनी क्वांटिटी लगभग पानी मिला के इतनी क्वांटिटी हो गई है, इतना आप बच्चे को डेली खिला सकते हैं। तो ये इसमें कोई कड़वाहट नहीं होती है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं आएगा, बच्चा बिल्कुल भी नहीं थूकेगा, आराम से बच्चा खा लेता है, कोई इसको दिक्कत नहीं आती। इस तरह से आप बच्चे को जायफल दे सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने लगभग अजवाइन ले लिया है, तो चलिए बताते हैं कैसे बनाना है। मैंने गैस कर दी है ऑन और गैस पे रख दिया है 1 तवा। तवा को कुछ भी ऑयल वगैरह नहीं डालना है, जो ये मैंने अजवाइन ली थी इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, और जो कुछ लहसुन की कलियाँ ली थी वो भी यहाँ पे डाल देंगे हम। इन दोनों को डालने के बाद यहाँ पे इसको भूनेंगे, और लगभग मीडियम या लो फ्लेम पर आप ये काम कर सकते हैं। हल्का हल्का सा जब ये चटकने लग जाए तब इसको हम निकाल लेंगे। हल्का तो हल्का सा ये चटकने लगा है, आप देखिए चटकना शुरू हो गया है, तो इसको थोड़ा सा और हम कर लेते हैं। गैस को हमने बंद कर लिया है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 प्लेट और उस पर बिछा लिया है मैंने 1 कपड़ा, इसी पे मैंने लेके और गैस पे मैंने ऐसे रख दिया है, और इस पे मैंने डाल दिया है ये पूरा अजवाइन। हैंकी को हम इस तरह से ले लेंगे, जब आपका बड़ा होगा तो आप बड़ा हैंकी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, तो इस तरह से आप ले लेंगे। और यहाँ पे आप चाहें तो कोई गांठ लगा सकते हैं, इस तरह से ऐसे गांठ लगा दीजिए, या आप रबर बैंड लगा दीजिए, या कुछ भी करके आप ऐसे अजवाइन की पोटली, इस तरह अजवाइन की पोटली को आप इस तरह से बना के आप उसके सीने पे सेक दे सकते हैं, रीढ़ की हड्डी पे सेक दे सकते हैं, और उसके सीने पे सेक देने के बाद आप पेट पे सेक दे, इस तरह से उसको सेक दीजिए ताकि उसको थोड़ा सा गर्म लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे। और एक बात ध्यान रखना कि अगर ज़्यादा गर्म हो तो पहले आप चेक कर लेना कि बच्चे को कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा, तो ऐसे आप अपने हाथ पे ऐसे टच करके देख लीजिए, अपने फेस पे टच करके देख लीजिए, आप उसको हर जगह पे सेक देंगे उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसको कफ में आराम मिलेगा। और दूसरी बात है कि आप बच्चे के जैसे तकिए के नीचे रखते हैं या कहीं पे भी उसके आसपास रखते हैं, तो ऐसा ध्यान रखिए कि बच्चे को बच्चा छू ना पाए या बच्चा उसको उठा ना ले, ताकि उसको कोई नुकसान ना हो जाए। रेमेडी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लौंग ले ली है, कुछ ले लिया है काली मिर्च, तो आप इतनी क्वांटिटी रख सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पे लौंग ली है वो मैंने फूल वाली ली है, सिंपल लौंग नहीं ली है। तो यहाँ पे लगभग 10 से 12 लौंग और 20-25 यहाँ पे काली मिर्च ले लेंगे। गैस को ऑन करने के बाद मैंने इस पे रख दिया है 1 तवा, और जो मैंने ये लौंग और काली मिर्च ली है इस पे यहाँ पे हम इसके डाल के और ड्राई रोस्ट कर लेंगे इसको, और धीमी आंच पे आपको करना है, आपको लो फ्लेम पर करना है, आपको हाई फ्लेम पर नहीं करना है, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। बुन चुके हैं, अब हम इसको इस प्लेट में निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर मैंने निकाल लिए सारे, तो ये प्लेट में निकल आए हैं, और यहाँ पर मैंने ये कूटने वाला ले लिया है और इसमें ये सारे डाल देंगे, डाल के और इसको कूट के एक पाउडर फॉर्म तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो ये मिक्सी जार में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसी में करूँगी।
तो यहाँ पे अच्छे से कूट लेंगे, यहाँ पे पाउडर बना लेंगे। तैयार हो गया है और इसमें मैं इसे निकाल लूंगी। चौलौंग का मैंने ये पाउडर बनाया था, इसको हम क्वांटिटी वाइज ले लेंगे इतना, अगर आपका बच्चा 1.5 साल 2 साल का है और इससे बड़ा भी है तब हम इतनी क्वांटिटी यहाँ पे काली मिर्च और इसकी ले लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे ये हनी। तो यहाँ मैं यहाँ पे क्वांटिटी इतनी यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा और हनी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स, मिक्स करने के बाद और ये हम अपने बच्चे को दे देंगे। इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। दिन में 3 बार बच्चे को ये अदरक का जूस और शहद मिलाकर दे सकते हैं। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं और शहद में भी ये गुण पाए जाते हैं, जिससे ये परेशानी से राहत दिलाने में भी हेल्प करते हैं। इस तरह से हमने कर लिया है अदरक को कद्दूकस। एक स्पून में इसके जूस को हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो आपको 3 बार ये देना है, तो थोड़ा थोड़ा ही देना है, बहुत ज़्यादा आपको बच्चे को नहीं देना है। तो लगभग इतना हम जूस यहाँ पे निकाल लेंगे जो अदरक का मैंने निकाला है, और ये इसमें मिला लेंगे ये हनी, थोड़ा सा मिला लेंगे। मतलब आपको लगभग आधा चम्मच करना है शहद और आधा ही चम्मच अदरक करना है। तो इतना आप बच्चे को दिन में 3 बार आप पिला सकते हैं, और पिलाने के बाद आप रिज़ल्ट देखेंगे, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से खांसी बच्चे की ठीक हो जाएगी। और ये आपको देना है 2 साल से बड़े बच्चे को देना है, 2 साल से छोटे बच्चे को आप ना दें। यहाँ पे मैंने एक अदरक का टुकड़ा लिया है, छोटा सा, मेरा थोड़ा सूखा था इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया। आपको अगर सही है जो उसमें जूसी है तो आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा हल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगोना रख दिया है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है और मैं इसमें डाल दिया है दूध। अब इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बॉईल कर चुकी थी मैं, तो इसलिए मैं बॉईल नहीं कर रही हूँ। अगर आपका दूध कच्चा है या फिर फ्रिज में आपने रख दिया है तो उसको बॉईल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ठंडे में अदरक डाल देंगे इसमें तुलसी के पत्ते अदरक, तो दूध फटने का डर रहता है। इसलिए आप थोड़ा सा इसको बॉईल कर लीजिए ताकि दूध आपका फटे ना। दूध गर्म होने मैंने रख दिया है और यहाँ पे जो मैंने अदरक लिया है और तुलसी के पत्ते लिए हैं, इनको हम अच्छे से कूट लेंगे। आप चाहे तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं और इनको अच्छे से कूट सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जूस होता है वो अच्छे से निकल आता है। अगर हम इसमें डायरेक्ट डाल देंगे तो जूस उतनी जल्दी नहीं निकलेगा, थोड़ा सा बॉईल होने में टाइम लगाएगा, लेकिन अगर हम कूट के डालते हैं तो उसमें जल्दी वो असर दिखा देगा, इसलिए हम कूट के डालेंगे। बॉईल हमारा हो चुका है और ये मैंने जो ये कूट के निकाला है अदरक और ये तुलसी के पत्ते, इनको हम इसमें डाल देंगे। और वो तुलसी भी सर्दी जुकाम में हेल्प करती है, और जो ये हल्दी है ये भी थोड़ा सा गर्माहट देती है दूध में, और बच्चे को जो सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाता है। तो चलिए इन तीनों को करते हैं मिक्स अच्छे से, थोड़ा सा होने देते हैं इसको बॉयल, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक बॉयल होने देंगे। हम इसको ज़्यादा बॉयल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा बॉयल कर देंगे तो जो अदरक का जो कड़वाहट होती है उससे बच्चे दूध नहीं पी पाते। अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता है तो इसमें थोड़ा सा आप हनी या गुड़ ऐड कर सकते हैं। मेरा बच्चा ऐसे ही पी लेता है तो मैं उसको ऐसे ही दे देती हूँ। आपका बच्चा नहीं पीता है तो आप हनी ऐड करके बच्चे को दीजिए, जिससे क्या है कि मीठापन लगेगा बच्चे को, तो बच्चा ये सारी चीज़ों वाला दूध मतलब पी लेगा, क्योंकि उसको सिंपल दूध पीने की आदत होगी। तो आप जब आप उसको देंगे तो उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा, वो हो सकता है थोड़ा ही पिए, आधा पिए, या हो सकता है बिल्कुल थोड़ा सा पिए। वो जितना भी पीता है आप उसको पीने दीजिए, लेकिन आप बच्चे को दिन में 2 बार या 3 बार ये दूध बच्चे को दे सकते हैं, जिससे बच्चे का जो है सर्दी जुकाम 2 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा, पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा, 99% उसका ठीक हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही 1-2 दिन में ही ठीक किया है बच्चे का। तो इस तरह से आप बच्चे को दे सकते हैं। ये 1 से 2 मिनट आपको बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद आपको इसको छान के, मैंने रख लिया है यही गिलास जिसमें मैंने दूध लिया था, और अब इस दूध को हम छान लेते हैं। ज्यादा बॉईल मैंने नहीं किया है, अब इसको छान के और नॉर्मल आपको देना है, बहुत ज़्यादा ठंडा आपको नहीं करना है। ये दूध बच्चे को आपको गुनगुना देना है, ठंडा करके नहीं देना है। तो अगर 1.25 ग्लास पानी यहाँ पे लिया है, ये हनी और आधा नींबू, और ये थोड़ा सा लिया है अदरक का टुकड़ा, लगभग 1.5 इंच मान सकते हैं। इसको हम कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से। इस पर मैंने एक बर्तन रख दिया है, और बर्तन में जो ये मैंने पानी दिखाया था 1.25 ग्लास, ये मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और इस पानी में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये अदरक जो मैंने यहाँ पे कद्दूकस किया था, वो अदरक मैंने डाल दिया। अब इसको होने देते हैं अच्छे से बॉईल। हम अदरक वाले पानी को 1 मिनट तक बॉईल करेंगे, क्योंकि जो अदरक के जो एंटीबैक्टीरियल गुड़ हैं वो सारे पानी में आ जाएं। और 1 मिनट के बाद हम कर देंगे गैस को बंद। तो हमें यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है और यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है। बंद करने के बाद जो ये आधा नींबू है वो इसमें हम निचोड़ देंगे।
तो नींबू यहाँ पे मैंने निचोड़ दिया है, और नींबू आपको गर्म होने के बाद निचोड़ना है, गैस आपको ऑन नहीं रखनी है, गैस आपको ऑफ कर देना है, फ्लेम ऑफ कर देना है, उसके बाद हम नींबू यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे हम लेंगे ये आधा चम्मच लगभग शहद, तो ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको नॉर्मल होने देंगे। आपको ठंडा नहीं देना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना रखना है। जब आप हल्का सा गुनगुना रखेंगे तो बच्चे के जो जलन है गले की, उसमें उसको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी राहत मिलेगी, और ये प्रॉब्लम उसकी 2-3 दिन में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। ये आपको मॉर्निंग में उसको देना है, काफ़ी अच्छा लगेगा। इसको हम नॉर्मल पहले होने देते हैं। यहाँ पे मैंने ये कप रख लिया है और छन्नी की हेल्प से हम इसे छान लेंगे। और जो मैंने बनाया था थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था, तो लगभग इतना आपको देना है। 2 साल तक के जो बच्चे हैं, 2.5 साल के बच्चे हैं, उनको आप ये दे सकते हैं। ये होम रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बच्चा बहुत जल्दी इससे ठीक हो जाएगा। जो भी रेमेडी मैंने बताई है उन्हें आप 3 दिन तक यूज़ करके देखिए अपने बच्चे पे। अगर आपके बच्चे को, बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं, बच्चे पे इफेक्ट डालते हैं, बच्चे ठीक होने लगता है, तो उन्हें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 3 दिन में आपके बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बच्चा वैसा का वैसा ही है, तब आप 3 दिन के बाद बच्चे को वो सारी रेमेडी जो आप दे रहे थे वो उनको बंद करिए, और तीसरे दिन शाम को या फिर 4th दिन मॉर्निंग में आप बच्चे को डॉक्टर से ज़रूर दिखाइए, क्योंकि वो फिर डॉक्टर की दवा से ही ठीक होगा, उन्हें होम रेमेडी से ट्राई नहीं होगा। दूसरा जरूरी पॉइंट कि जब आप होम रेमेडी ट्राई करें, तो जैसे आपको बच्चे में सिम्टम्स स्टार्ट होते हुए दिख रहे हो उसी दिन से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि 4-5 दिन हो चुके हैं, आपने उसको इग्नोर किया है, आपने और चीज़ें ट्राई की हैं और आपको लगता है कि मैं और ट्राई आगे करती रहूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब सिम्टम्स स्टार्ट हों तभी से स्टार्ट करना है, जैसे 4-5 दिन हो चुके हैं उसके बाद से होम रेमेडीज अगर आप ट्राई करते हैं तो बच्चे पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आप स्टार्टिंग से करते हैं तब इफेक्ट जल्दी पड़ता है। तो क्या होता है कि जब बच्चे को सर्दी जुकाम लग जाता है तो वो अंदर एक इन्फेक्शन कर देता है, वो सिर्फ दवाइयों से ही ठीक होगा, एंटीबायोटिक से ही ठीक होगा, वो होम रेमेडीज से ठीक नहीं होगा। अगर दब भी जाएगा तो वो 15 दिन बाद फिर से वापस आ जाएगा। इसलिए अगर आपके बच्चे को जैसे स्टार्टिंग से देते हैं तब वो फायदा करेगा, अगर आप 4-5 दिन बाद से होम रेमेडीज ट्राई करते हैं तो वो इफेक्ट नहीं डालेंगी। इससे अच्छा है कि आप अपने डॉक्टर से चेक कराइए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए पेरेंटिंग वीडियोज के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, टेक केयर, बाय बाय।